आगे चलो आगे चलो अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं खादिम इमरान साबरी। और दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा दरगाह साबिर पाक में बरेली शरीफ से तशरीफ लाए खानकाए सराफतिया के गद्दी नशीन हज़रत किबला जनाब सकलेन मियाँ साहब अपने मुरीदों के साथ जश्न गोशुल वरा के दिन दरगाह साबिर पाक में चादर फूल पेश करेंगे और सभी के लिए दुआएँ मांगेंगे। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, सकलेन मियाँ साहब आ चुके हैं और इनके आगे जो चल रहे हैं ब्लैक टोपी में, ये दरगाह साबिर पाक के सज्जादा नशीन हज़रत अली मंजर एजाज़ कुद्दूसी साबरी साहब के छोटे भाई हज़रत यावर अली मंजर एजाज़ कुद्दूसी साबरी है। ये दरगाह साबिर पाक में अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद पहले चादर पेश होगी, उसके बाद दुआएँ होगी, फिर सलाम पढ़ा जाएगा। मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली अब हम दरगाह साबिर पाक के मेन मज़ार पर अंदर आ चुके हैं। अंदर जो है सकलेन मियाँ भी तशरीफ ला चुके हैं। तो जो लोग दरगाह साबिर पाक में नहीं आए हैं, जिन्होंने अंदर से नहीं देखा है, तो वो आप वीडियो में देख सकते हैं। ये दरगाह साबिर पाक का मेन मज़ार अंदर का है, जो मैं आपको लाइव ज़ियारत करा रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए से। और अब पहले जो है चादर और फूल पेश की जाएगी, उसके बाद जो है एक नज़म पढ़ी जाएगी, और नज़म पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे, बाहर जाकर सलाम पढ़ा जाएगा। मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा, आप मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहे। तो चलिए सबसे पहले हम जो है चादर और नज़म जो है पढ़ी जाएगी वो सुन लेते हैं। शफीक भाई हाथ अंदर, हाथ अंदर। इसे ताज वाले भी रखते सर पर, इसे ताज वाले भी रखते सर पर, समझ लीजिए अब कहाँ की है चादर। महक वो सुलासम किस में बसी है, महक वो सुलासम किस में बसी है, ये के पादरी अब पिता की चादर किस में बसी है, एक सिता की है चादर, समझ लीजिए अब कहाँ की है चादर। तो अब जो है नज़म पूरी हो चुकी है। नज़म पूरी होने के बाद सकलेन मियाँ साहब सभी के लिए दुआ करेंगे, हम सभी उस पर आमीन करेंगे और सभी दुआ मांगेंगे। उसके बाद मैं आपको वीडियो में बाहर का दिखाऊंगा, जहां पर सलाम पेश किया जाएगा, पहले इससे हम दुआ कर लेते हैं। जैसे हजरात सकलेन करीबन, आपके वालदैन वालदैन, आपकी औलाद अमजाद, खानदान चिश्तिया फादरिया सोरवर्दिया, तमाम सलासलियामान के बारगाह में इसका सवाल आमीन। जैसे हमारे आपा मौला जिनके दरबार में हम वसत हिजो नियाज हाजरी देने के लिए आए हैं और हाजिर हैं, अल्लाह आपकी
खिदमत पाक में इसका सवाब पेश यहाँ के करने का जो सही मकासद है अल्लाह उनको पूरा फरमा आपके पास बखैर कर हमारी आमीन के सस्ते में अल्लाह पाक हमारे सारे दुनिया भी उलझनों परेशानियों से दूर फरमा आमीन हमें यकसुई अता फरमा आमीन और सब्र और तहम्मुल की आमीन इसको निकाल लो भाई को तो अब जो है दुआ पूरी हो चुकी है और शकलेन मियां साहब अब जाएंगे बाहर जहां पर जो है सलाम पेश किया जाएगा यानी कि सलाम पढ़ा जाएगा। तो हम बाहर ही चलेंगे, तो चलिए पहले हम बाहर चलते हैं और सलाम की वीडियो में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से सलाम पढ़ा जाएगा। चलिए बाहर चलते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया दरगाह साबिर पाक में बरेली शरीफ से तशरीफ़ लाए खानकाह शराफतिया की गद्दी नशीन जनाब किबला हज़रत शकलेन मियां साहब, जिन्होंने दरगाह साबिर पाक में जश्न गोसुल वरा के दिन चादर व फूल पेश की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग this video.